तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो हम लोग करते हैं कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पी एन क्यू कैरिंग करेंट 10 एम्पियर ईच, मतलब दो वायर है हम लोग के पास, ये दो सीधे वायर हैं। तो अगर सीधे वायर हैं तो चलो सीधा ही बना देता हूँ। तो ये सीधे वायर है, एक वायर ये है और दूसरा जो वायर है वो कुछ ऐसा है। ओहो, दूसरा सेलेक्ट हो गया यहाँ से। तो टू स्ट्रेट वायर है यहाँ पे, तो एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्ट, टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन एयर पैरेलल टू ईच अदर ए डिस्टेंस 5 मीटर। दोनों में करंट जो है वो सेम फ्लो हो रहा है। और देखो करंट की डायरेक्शन जो है वो, करंट की वैल्यू जब इसमें I1 है और इसमें I2 है, चलो मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा तो फोर्स लगने वाला मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा ना भाई, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी बस। द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक विल एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज F1। मतलब जो है 10 सेंटीमीटर वायर, ये जो 10 सेंटीमीटर ये वाला है 10 सेंटीमीटर, इस पर जो फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है, वो F1 है। मतलब A पर B लगाएगा, B पर A लगाएगा, ठीक है, ये आप जानते होंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज हाफ एंड करंट आर डबल, अब ये कंडीशन देखो, डिस्टेंस अगर हाफ कर दिया जाए और करंट डबल किया जाए तो फोर्स F2 ऑन टेंसिंग, इसी पे फोर्स F2 हो जाएगा और इस F2 की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो चलो, बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो मैं उनके लिए एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, जब ये करंट कैरिंग वायर है तो ये इधर बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड में बी आ गया है और उस बी में भी करंट फ्लो होगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। उसी तरह से बी की फील्ड में ए है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इस फोर्स की जो वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए, एक एक्सप्रेशन नहीं याद है तो आप बिल साइन थीटा से निकाल सकते हैं। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो है वो आता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस 2πr यहाँ से d। अगर नहीं याद है तो ऐसे निकाल लो, फोर्स कितना होता है, बिल साइन थीटा इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I और 2πr I1 और ये I2 और L एक लाइन में है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो फोर्स एक्टिंग 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से स्क्वायर चढ़ा देता हूँ और 2πd, और इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स यहाँ से कुछ, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ एक्स। तो यहाँ से जो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है एक्स इज प्रोपोर्शनल टू I² / d, ठीक है। तो यहाँ से मतलब X1 / X2 की वैल्यू, मतलब F1 / F2 की वैल्यू आ जाएगी, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 / I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से डिस्टेंस D2 / D1 का मल्टीप्लाइड बाई। तो यहाँ से मुझे F1 की वैल्यू तो F1 ही रहने दो और F2 की वैल्यू तो तुम्हें चाहिए, और करंट पहले जो करंट था वो I था, बाद में करंट कितना कर दिए हो, इफ द डिस्टेंस एंड करंट ऑन देम डबल, करंट हमने 2 times कर दिए हैं और ऊपर से स्क्वायर चढ़ा दिया हूँ एंड डिस्टेंस आधा कर दिया हूँ, मतलब D/2 की वैल्यू D है और पहले ये D था, तो ये पूरा D ने D को, I ने I को, तो कुल मिला के कुल कितना बना मेरे भाई। तो यहाँ से F1 / F2 की जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है 1/8, तो यहाँ से जो F2 की वैल्यू आ जाएगी 8 times F1 आ जाएगी। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्यार बच्चों। तो अगर समझ में आया, अच्छा लग रहा है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट मी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बच्चों, जुड़ो, तो एक रिवोल्यूशन क्रिएट करेंगे ऐसा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करता हूँ आपके लिए, तो मेरे साथ बने रहो, अपना सबसे बड़ी बात, अपना बहुत ख्याल रखो और मोटिवेटेड रहो।